गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजन, अभय, आदित्य के काफी लोग आ गए हैं। आई होप यू ऑल आर गुड। अच्छा, कल रेगुलर टेस्ट वन भी हो गया। पेपर एज सच बहुत टफ नहीं था, नॉर्मल ही पेपर था, और पेपर एक सेपरेट सेशन निकाल के आज या कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बार आप पेपर को वापस से गो थ्रू कर लो और अपने डाउट्स कलेक्ट कर लो, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा कम टाइम में बेटर यूटिलाइज हो जाता है टाइम का, ठीक है। आज ट्राई करते हैं इस चैप्टर को फिनिश करने का। सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को बताओ। लास्ट टाइम पे बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे। काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं, तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है तो पहले वो डिस्कस कर सकते हैं। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? नोट्स में कोई डाउट है? अच्छा, इस वीक का सिलेबस वीकेंड पे जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस 5 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडुलस, 15 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रेटेस्ट पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिग्नम फंक्शन, उसके ऊपर 15 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस मॉडुलस, 15 क्वेश्चंस ये चैप्टर, और रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टर्म पे लास्ट क्वेश्चन था दिस, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2x इज लेस देन 3। फर्स्ट स्टेप है दिस, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेप। इंटीजर है 2x ग्रेटेस्ट पार्ट, और इंटीजर ऐसे बाहर आते हैं, जैसे x प्लस माइनस 5 ग्रेटेस्ट पार्ट कैन बी रिटन एज ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस माइनस 5, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 2x लेस देन 3, और फिर यहाँ पे आप कंसीडर करोगे डिफरेंट केसेस, हर केस को ऑब्जर्व करोगे, चेक करोगे, और जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनको मार्क कर लोगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट पार्ट की वैल्यू चेंज होती है इंटीजर्स पे। लास्ट टाइम पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लेट्स से डबल पावर है या हाफ पावर है ऐसा, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज होगी एट 1, 2, 3, 4, 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, एंड 2x शुड बी इंटीजर, यानी x इज 0, फिर 1 अपॉन 2, फिर 1, फिर 3 अपॉन 2, फिर 2, मतलब 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 ऐसा, और डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर सॉल्यूशन, फाइनली इसका आंसर आता है x belongs to minus infinity to 1। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस चैप्टर इज दिस, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स एक चैप्टर आता है ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आएगा। लिमिट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है सीईटी, मेंस और एडवांस तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वहां पे काफी एप्लीकेशंस होते हैं इसके, देखेंगे वहीं पे, अभी ग्राफ सीख लेते हैं। सो फाइनली वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट वाई और यहाँ पे इनपुट यानी कि वैल्यूज ऑफ एक्स, एक पॉइंट और फ्रैक्शनल पार्ट की कैलकुलेशंस आप कर सकते हो यूजिंग एक्स माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, लाइक एक्स 0 to 1, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स 0, यानी कि डायरेक्टली वाई इज इक्वल टू, एक काम करो इसको लिख लो ना यहाँ पे, ठीक है। एक्स 0 to 1, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, ठीक है। तो 1 to 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट, तो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, 2 to 3 ग्रेटेस्ट पार्ट, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, स्ट्रेट लाइंस है, एक पॉइंट और फ्रैक्शनल पार्ट के आउटपुट्स ऑलवेज इन द इंटरवल 0 to 1, जैसे साइन एक्स का ग्राफ बनता है इन द इंटरवल -1 to +1, कंप्लीट ग्राफ, ऐसे ही वाई इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल बी इन द इंटरवल 0 to 1, तो कंप्लीट ग्राफ आने वाला है दिस इंटरवल 0 to 1, ठीक है। ओके, 0 to 1 में इक्वेशन था वाई इज इक्वल टू एक्स, 1 to 2 में इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1,
clearly this and this parallel or not parallel? Parallel. Slope है one, यानी कि 45 degree angle, और ये है y is equal to x minus one, straight lines है, straight line है, two points sufficient होते हैं draw करने में. X is equal to one put करो, one minus one यानी कि zero, x is equal to two put करोगे, two minus one यानी कि like this, correct? 2 to 3 में इसका इक्वेशन है y is equal to x minus 2 again parallel line x is equal to 2 पर value 2 minus 2 यानी कि 0 x is equal to 3 पे value 3 minus 2 यानी कि 1 but यहाँ पे apply कर रहे हैं हम लोग whole circle क्योंकि 4 integers greatest part तो as it is like 5 का 5 6 का 7 का 7 8 का 8 but fractional part 0 0 for all integers fraction part hota hai 0 to 1 pe aapko output milega actual mein 0 2 pe bhi output 0 3 par bhi output 0 Ajda kya doubt hai why as per likha hai wo samjha ek fir se bolo kya bol rahe ho I is equal to y is equal to x y is equal to x minus 1 वो लिखा है वो नहीं समझा बेटा अभी आप 1 to 2 में ग्राफ बना रहे हो तो 1 to 2 में greatest part कितना होता है तो y is equal to x minus 1 जैसे greatest part अगर अभी तो ऐसे ही बनाया था हम लोगों ने different intervals में break करके x 0 to 1 0 to 1 में all numbers greatest part Zero. हाँ बिल्कुल जीरो one to two all numbers having greatest part one पे यहाँ पे होलो क्योंकि one का greatest part होता है one two to three greatest part two समझ गए ऐसा ये greatest part था अभी हम लोग बना रहे fractional part जैसे एक बात ये बताओ कि 1.4 फ्रैक्शनल पार्ट 0.4 1.66 फ्रैक्शनल पार्ट 0.66 1.99 फ्रैक्शनल पार्ट 0.99 तो बैकग्राउंड में तो माइनस 1 ही कर रहे हैं ना हम लोग तो ये वही लिखा हुआ है कि 1 टू 2 में कोई नंबर है तो फ्रैक्शनल पार्ट के कैलकुलेशन के लिए आप माइनस 1 कर दो जैसे 2.25 फ्रैक्शनल पार्ट 2.341 फ्रैक्शनल पार्ट 2.9995 फ्रैक्शनल पार्ट तो बैकग्राउंड में बेसिकली माइनस 2 ही कर रहे हो ना तो इसका मीनिंग भी वही तो है कि 2 टू 3 में कोई नंबर है तो 4 फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेशन आप यूज कर दो x माइनस 2 मतलब माइनस 2 कर दो उसमें ठीक है तो वैसे भी समझ में आ जाता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x 2 टू 3 में ग्रेटेस्ट पार्ट होता है 2 यानी कि y इज इक्वल टू x माइनस और y इज इक्वल टू x माइनस 2 है स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे देन y इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 0 पुट करते हो देन x इज इक्वल टू 2 ठीक है x बिलोंग्स टू 3 टू 4 y इज इक्वल टू x माइनस 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 अगेन पैरेलल लाइन या ये कलर चेंज हो रहा है तो फिर से Done. ठीक है तो all are straight lines having slope one
इनका इक्वेशन लिखना आना चाहिए. दिस इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, दिस इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस वन, दिस इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस टू, दिस इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस. हाँ, x बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो, माइनस वन टू जीरो या जीरो टू माइनस वन, इन दिस इंटरवल ग्रेटेस्ट पार्ट माइनस वन, जस्ट लेफ्ट साइड इंटीजर. तो ये हो गया अभी y इज इक्वल टू, यहाँ पे है माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस वन. इसका मीनिंग ये है जैसे माइनस जीरो पॉइंट थ्री ग्रेटेस्ट पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट माइनस जीरो पॉइंट फोर फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस जीरो पॉइंट फाइव फ्रैक्शनल पार्ट, माइनस जीरो पॉइंट सिक्स फ्रैक्शनल पार्ट. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आपको बता रहा है कि कोई भी नंबर जीरो टू माइनस वन में है तो फोर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फोर फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेशन कुछ भी मत करो, जस्ट कितना ऐड कर दो. तो ये मीनिंग है y इज इक्वल टू x प्लस वन, वेयर x बिलोंग्स टू माइनस वन टू जीरो का. ठीक है, अगेन y इज इक्वल टू x प्लस वन, लाइन है, स्लोप है वन, और ये बनाना है आपको माइनस वन टू जीरो, यानी कि दिस. यहाँ पे होलो सर्कल क्योंकि जीरो इंक्लूडेड नहीं है, और वैसे भी जीरो है इंटीजर, और जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो. वाई सॉरी एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू टू माइनस वन, तो माइनस वन टू माइनस टू इंटीजर पार्ट, माइनस टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. टू अगेन लाइन पैरेलल टू दीज लाइंस, बट ये पास हो रहा है अभी माइनस टू से, यानी ग्राफ शुड बी लाइक दिस. फाइनली फिर सारे ग्राफ ऐसे ही बन जाए. इसका मीनिंग है कि जैसे माइनस वन पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट सिक्स माइनस वन पॉइंट एट फ्रैक्शनल पार्ट, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई नंबर माइनस वन टू माइनस टू में है तो फोर फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेशन आप जस्ट उसमें कितना ऐड कर दो. हाँ, तो वही मीनिंग है इसका. ठीक है, तो ये है फाइनली फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ. ये इक्वेशंस लिखना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. जैसे ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस वन, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस टू. तो ये है फाइनली इसका ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है, और ग्रेटेस्ट पार्ट को ऑलरेडी सीख चुके हैं तो हो गया. एनी डाउट? एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो भी जल्दी से. क्वेश्चन है दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस टू टू प्लस थ्री, इंटीग्रेशन है x एक्सिस के अबव और ग्राफ के बिलो, यानी कि बाउंडेड एरिया कैलकुलेट करते हैं, मतलब माइनस टू से लेकर के थ्री तक. चलो इसका अलग से ग्राफ बना लेते हैं ना, पहले आप इसका ग्राफ बना लो आराम से, इजीली और केयरफुली. ग्राफ तो काफी ज्यादा इजी है इसका, लाइक दिस. जीरो वन टू और यहां पर थ्री, सॉरी इधर थ्री. अभी आपको एरिया शेडेड करना है फ्रॉम माइनस टू टू एक्स एक्सिस के अबव, एक्स एक्सिस के अबव एरिया विल बी टेकन एज पॉजिटिव. थ्री के राइट साइड मूव नहीं करोगे, माइनस टू के लेफ्ट साइड मूव नहीं करोगे. तो नाउ ऑल एरिया इज अबव एक्स एक्सिस, यानी जितने भी पार्ट्स हैं इसके अंदर सब पॉजिटिव, तो टोटल एरिया विल बी द फाइनल आंसर. आंसर
पाई बाय टू ट्राइंगल है एरिया विल बी हाफ बेस इनटू हाइट हाफ बेस और इनटू हाइट यानी कि 1/2 ऐसे 1/2 यहां पे है 5 यानी फाइनल आंसर इज 5/2 क्लियर ओके ग्राफ फॉर्म करते हैं अभी दिस y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x पहले समझ लो नेक्स्ट अपने आप से बनाना y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ sin x तो पहले तो इसमें काफी इजीली आप ग्राफ ड्रॉ कर दो ऑफ y इज इक्वल टू sin x कुछ भी नहीं होता है काफी इजी है बस थोड़ा सा वर्डिंग्स को केयरफुली समझना बस sin x का ग्राफ विल बी इन द इंटरवल -1 to +1 This value is a zero. This is 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree, ऐसे ही -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π, and so on. Clear? Okay. First point. All integers having fractional part. Zero. तो जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो ये आउटपुट है वन वन का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो जीरो इसका मीनिंग है कि आप इसमें x इज इक्वल टू पुट करते हो पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री साइन 90 डिग्री यानी कि वन और वन का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी तो आपको आउटपुट फाइनली मिलेगा जीरो इंटीजर पार्ट का ग्राफ बनाते तो x इज इक्वल टू पाई बाई टू पर आपको मिलता साइन पाई बाई टू यानी कि वन और वन का ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज जैसे मॉडुलस को ओपन करना सीखते हैं ना वैसे इनको ओपन करना सीखते हैं मॉडुलस या तो ओपन होता है एज इट इज या फिर ओपन होता है विद नेगेटिव साइन ये लोग ओपन होकर के वैल्यूज देते हैं 1, 2, 3 ऐसा ठीक है ओके सो यहाँ पे था वन वन का फ्रैक्शनल पार्ट विल बी जीरो जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो ये है -1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी जीरो ऑल इंटीजर्स हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट जीरो जीरो का जीरो यहाँ पे है -1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी जीरो ये है वन वन का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो जीरो का जीरो -1 का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो जीरो का जीरो वन का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो और जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट भी जीरो ठीक है अभी ये ग्राफ है 0 टू 1 में दिस ग्राफ लाइज इन द इंटरवल 0 टू 1 वाई एक्सिस पे देखोगे एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं देखना है ना वाई एक्सिस पे देखो जस्ट 0 टू 1 0 टू 1 में 0 टू 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ओपन होता है एज इट इज y इज इक्वल टू लाइक 0.4 फ्रैक्शनल पार्ट 0.65 फ्रैक्शनल पार्ट 0.76 फ्रैक्शनल पार्ट हाँ नंबर 0 टू 1 में है देन ग्रेटेस्ट पार्ट 0 और फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन यानी इसको एज इट इज बना दो बस बट यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे हेलो सर क्योंकि वो जीरो टू वन में नहीं है वो वन है प्योर वन है
और वन के फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं जीरो, समझ गए? एक काम करते हैं, दिस ग्राफ ऑल्सो इन द इंटरवल 0 to 1, या इसको थोड़ा माइंड में सेट कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा. 0 to 1 में नंबर है, फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन. जीरो टू वन फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन. 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज ओपन मतलब एज इट इज ग्राफ, ठीक है. दिस ग्राफ लाइज इन द इंटरवल 0 to -1 में डेफिनेशन देखो. 0 to -1, अब देखो पूरा ग्राफ देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस माइंड में ये डेफिनेशन रखो. ये डेफिनेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस, हाँ 0 to -1 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? -1 -1 +1, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 1. y इज इक्वल टू x प्लस 1 का मतलब ये है कि आप इस कंप्लीट ग्राफ में 1 ऐड करोगे, और जब कंप्लीट ग्राफ में 1 ऐड करते हैं तो ग्राफ अबव शिफ्ट होता है. भाई जहां पे आपको आउटपुट मिल रहा था लेट्स से -0.2, बट अभी कितना आउटपुट मिलेगा? 0.8, बिकॉज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट. तो बेसिकली कितना ऐड किया आपने? 1. पहले साइन की वैल्यू थी लेट्स से -0.4, बट बिकॉज ऑफ, जैसे सपोज करो इसके ऊपर ऑपरेटर ये नहीं होता, ये ऑपरेटर होता तो आप इसका स्क्वायर करते हैं, फिर आपको आउटपुट एक्चुअल में मिलता 0.16, मॉडुलस होता तो फिर आपको आउटपुट मिलता कितना? 0.4. तो यहां से कंक्लूड करते हैं कि ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस, इसको मिरर इमेज करके ऊपर लेके आ जाओ, बट अभी मॉड नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, अभी है फ्रैक्शनल पार्ट. -0.4 के ऊपर आप फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 0.6. ये नहीं बोल सकते कि ये ऐसे मिरर इमेज होके ऊपर आ गया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे 1 ऐड हो रहा है. तो कंप्लीट ग्राफ में 1 ऐड यानी ग्राफ एज इट इज अबव शिफ्ट होता है वाई 1 ऐड करोगे तो 1 शिफ्ट करोगे, मतलब ये जितना भी ग्राफ आपको 0 to -1 में दिख रहा है ना, इसमें 1 ऐड करके ऊपर लेके आ जाओ. तो पहले -1 आउटपुट था, अभी कितना आउटपुट आएगा? 0. पहले यहाँ पे कहीं तो 0 था, तो 0 के प्लेस पे अभी 1. कहने का मतलब ये कि ये ग्राफ एज इट इज अबव शिफ्ट वाई 1 यूनिट, पूरे ग्राफ को एज इट इज 1 से ऊपर कर दो, यानी ऐसा. बोलो क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ये है, तो इसलिए यहाँ पे समझ गए. ऐसे ये ग्राफ भी है 0 to -1. 0 to -1 में फ्रैक्शनल पार्ट ओपन होते हैं, कहाँ चला गया? y इज इक्वल टू x plus 1, ये ऊपर आ गया. इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन तो यार देखो पॉसिबल ही नहीं है, तो समझना पड़ेगा आप लोगों. ऐसे ये भी ऊपर ले आता है. फाइनली कंप्लीट ग्राफ इन द इंटरवल 0 to 1, हाँ तो आना ही चाहिए क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के आउटपुट से किस इंटरवल में होते हैं? 0 to 1. कंक्लूड करता हूं मैं इसे. इंटीजर्स फ्रैक्शनल पार्ट 0, ग्राफ लाइज इन द इंटरवल 0 to 1 एज इट इज, ग्राफ लाइज इन द इंटरवल -1 to 0, 1 ऐड कर दो. ग्राफ लाइज इन द इंटरवल लेट्स से 1 to 2, तो 1 to 2 में कितना माइनस करते हैं? माइनस करोगे ग्राफ बिलो आ जाएगा, ऐड करोगे ग्राफ अबव शिफ्ट होगा. फाइनली ग्राफ कंप्लीटली आपको 0 to 1 में दिखेगा. जैसे ये एग्जांपल है,
चलो एक एग्जांपल ही लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2 sin फ्रैक्शनल पार्ट, ये बनाने का ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं। y इज इक्वल टू 2 sin x फ्रैक्शनल पार्ट, कोई डाउट आता है किसी को भी यार बोल सकते हो आप लोग ने। y इज इक्वल टू 2 sin x फ्रैक्शनल पार्ट, देखो उसका समझने का ट्राई करो। सपोज करो आपको फाइनली पॉइंट्स चाहिए इन द इंटरवल 1 to 9, कुछ लोग हैं जिनके पास 11 to 19 तक के कॉइंस हैं, मतलब 11 कॉइंस, 12 कॉइंस, 12.5 कॉइंस, 13 कॉइंस, 13.5 कॉइंस, इंटीजर जैसा मत लेके चलना, नॉर्मली लेके चलो। काफी सारे लोग हैं जिनके पास 21 कॉइंस, 22 कॉइंस, 23 कॉइंस, 24 कॉइंस, 25, 25.6, 25.7, 29 तक है। काफी सारे लोग हैं जिनके पास 31 से लेकर के 39 तक से हैं, रुपीस हैं। आपको फाइनली इन सब के आउटपुट चाहिए 1 to 9 में। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या अप्लाई करोगे? माइनस 10, तो अपने आप से उनके कॉइन्स 1 to 9 में आ जाएंगे ना। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा अप्लाई करोगे? माइनस 20, माइनस 30 नहीं कर सकते, माइनस 10 भी नहीं कर सकते, माइनस 20 करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा अप्लाई करोगे? माइनस 30। तो ये वैसी चल रही है पूरी, फ्रैक्शनल पार्ट के वैल्यूज होते हैं 0 to 1, तो वो अपने आप से कुछ तो अप्लाई कर देता है सो दैट फाइनल आउटपुट 0 to 1 में आ जाए। ये ग्राफ फॉर्म करो। साइन एक्स माइनस 1 2 प्लस 1, 2 साइन एक्स माइनस 2 2 प्लस 2, जस्ट वन लूप बना लो, काफी है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। ग्रेटेस्ट पार्ट का डेफिनेशन चेंज होता है फ्रैक्शन, सॉरी इंटीजर्स पे।
ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन भी चेंज होता है एट इंटीजर्स. ये है माइनस टू टू प्लस टू और मिडिल में कहीं आएगा माइनस वन और प्लस ऊपर. तो माइनस वन और प्लस वन ठीक है. ये थोड़ा क्या बाउंड्रीज मार्क कर देते हैं और कुछ चीज़ देखो. फ्रैक्शनल पार्ट को तो मैं ऐसे भी समझ सकते हो, मतलब ग्राफ जैसा भी है ना, कहीं पे भी है, ग्राफ का शेप चेंज नहीं करना आपको. ग्राफ के ऐसे पार्ट्स कर दो और सारे पार्ट्स को किस इंटरवल में लेके आ जाओ, जीरो टू वन में. फर्स्ट पॉइंट इंटीजर्स, इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो, वन का जीरो, टू का जीरो, वन का जीरो, जीरो का जीरो. यहाँ पे है माइनस वन और माइनस वन का फ्रैक्शनल पार्ट भी जीरो, माइनस टू का जीरो, माइनस वन का जीरो, जीरो का जीरो. यहाँ पे माइनस वन जीरो, माइनस टू जीरो, माइनस वन जीरो, जीरो जीरो, वन जीरो, टू जीरो, वन जीरो और जीरो जीरो. करेक्ट है. ग्राफ इन द इंटरवल जीरो टू वन, जीरो टू वन में डेफिनेशन था y इज इक्वल टू एक्स. अगेन ये ग्राफ देखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, आप डायरेक्ट डेफिनेशन देखो बस. इसका डेफिनेशन का मीनिंग ये होता है कि ये ओपन कैसे करना है आपको. ठीक है, डेफिनेशन का मीनिंग ये कि ये ओपन कैसे करना है, समझ रहे हो ना. जैसे घर में कुछ गेस्ट आते हैं तो कुछ क्लोज गेस्ट होते हैं तो उनको आप काफी अंदर तक लेके आ जाते हो घर में, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में उनको बैठाना है. ऐसे ही कुछ मतलब ऑफिस वर्क से आ रहे हैं तो वो थोड़ा बाहर बैठते हैं, वैसा ही कुछ है ये कि वन टू टू में जो गेस्ट है वो ओपन होंगे लाइक एक्स माइनस वन, उनमें माइनस वन करना होता है. यार रेडनाप एग्जाम्पल बनाना बहुत मुश्किल होता है मैथ्स के अंदर, तो मैं ट्राई करता हूँ जितने बन सकते हैं नॉन मैथ्स वाले, है ना. टू टू थ्री के अंदर कोई ऐसे इट इज आ रहा है तो वो ओपन होता है भाई इसी एक्स माइनस टू से, मतलब उसमें माइनस टू कर देते हैं. ठीक है, तो ये ग्राफ है अभी जीरो टू वन में एज इट इज ओपन, एज इट इज. बट यहां पे हो लो क्योंकि वो एक्चुअल में जीरो आ रहा है वहां पे. तो जितना भी पोर्शन आपको जीरो टू वन में दिख रहा है ना, जीरो टू वन वाला, वो सबको एज इट इज ओपन कर दो. ठीक है, ओके. इसमें काफी सारा ग्राफ वन टू टू इंटरवल में भी दिख रहा है. वन टू टू इंटरवल कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, लाइक नंबर्स हैं 1.2, 1.3, 1.999 या 99, फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, फ्रैक्शनल पार्ट 0.3, फ्रैक्शनल पार्ट 0.9. हाँ ठीक है, तो बैकग्राउंड में कितना माइनस हो रहा है, बेसिकली नंबर्स इन द इंटरवल 1 टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट आने पे माइनस वन कर देते हैं, माइनस वन कर देते हैं. ये तो मैथमेटिकल हो गया. ग्राफ में क्या करते हैं, ग्राफ को वन से बिलो शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, ये ग्राफ एज इट इज, इसको वन से बिलो शिफ्ट कर दो. तो पहले कोई ग्राफ 1 टू 2 है, इसको वन से बिलो शिफ्ट करते हो तो अभी ये आएगा इन द इंटरवल 0 to 1. तो ये ग्राफ एज इट इज, शेप वगैरह चेंज नहीं करना, 0 टू 1 में लेके आ जाओ, समझ गए. बट यहां पे अप्लाई करोगे क्या होलो, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू है 0.
भाई तुम खुद देखो, जैसे ये है इस तरीके से ग्राफ है। अभी मैं आपको ये बोलता हूँ कि x is equal to pi by 2 पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, तो जीरो भी आउटपुट आ रहा है और ये भी ग्राफ दिख रहा है तो वन भी आउटपुट आ गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, होलो लगा देते हैं। होलो मतलब वो आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। ये ग्राफ भी है 1 to 2, वन टू टू में ग्राफ ओपन होगा y इज इक्वल टू x माइनस वन। तो पूरा ग्राफ x माइनस वन, अब x माइनस वन का मतलब x नहीं है यहाँ पे, एक्चुअली ये है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इनपुट है 2 sin x। कहने का मतलब ये कि ग्राफ को 0 to 1 में लेके आ जाओ। पर्पस ये, तुम्हें ग्राफ कहीं भी दिख रहा है ना, ये उस ऐसे कट कर करके 0 to 1 में लेके आ जाओ बस। डन। ये ग्राफ है अभी 0 to -1 में और ये ओपन होता है y इज इक्वल टू x प्लस वन प्लस वन, यानी ग्राफ अबव शिफ्ट, माइनस यानी ग्राफ बिलो शिफ्ट। तो प्लस वन का मीनिंग ये हो गया कि इस ग्राफ को एज इट इज यहाँ पे लेके आओगे 0 to 1 में। इस ग्राफ का शेप था लाइक दिस, ऐसा, और फिर इसको ऊपर, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे यहाँ पे 0 to 1 में लाइक दिस, समझ गए। ये ग्राफ भी 0 to -1, 1 ऐड करोगे ग्राफ अबव शिफ्ट ऐसा। दिस ग्राफ आल्सो इन द इंटरवल 0 to -1 अबव शिफ्ट y1। और भी कहीं पे है क्या, ये भी कंपोनेंट 0 to -1 ग्राफ अबव शिफ्ट y1 यूनिट। करेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्ट कुछ कंपोनेंट्स और हैं, जैसे ये कंपोनेंट हो गया, दिस ग्राफ इन द इंटरवल -1 to -2। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, -1 to -2 के अंदर ग्रेटेस्ट पार्ट माइनस, यानी ओवरऑल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस। तो कंप्लीट ग्राफ को आप शिफ्ट करोगे अबव वाई 2 यूनिट। तो बेसिकली ये जो ग्राफ आपको -1 to -2 में दिख रहा है ना, इसको आप 0 to 1 में लेके आ जाओ एज इट इज। तो ये ग्राफ लेके आओगे ऊपर, ये समझ में आ रहा है ना, बाउंड्रीज क्यों बनाते हैं। तो उससे क्या ग्राफ का, जैसे ये कहीं पे ऐसा घर है, है ना, इस तरीके से शेप मान लेते हैं। श्रेष और करना है तो कर लो यार एक साथ, फिर स्टार्ट करता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एनोटेशन ऑन रखा हुआ है, किसी को कुछ डिस्टर्बेंस करना है तो कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सेकंड ग्राफ है लाइक दिस, मतलब ग्राफ नहीं है, एक किसी का होम है, ये लेट से कोई घर है या होम है, जो भी है, H1 बोल देते हैं इसको। और यहाँ पे बना लेते हैं कुछ, तो ऐसा बना लेते हैं H2। लेट से H2 ये मेरे को ऊपर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ऐसा तो ऊपर शिफ्ट नहीं होगा ना, ये यहाँ पे आ गया, समझ गए ना तुम। तो इसलिए क्या बाउंड्रीज बना के रखते हैं थोड़ा सा, तो इसे क्या आइडिया रहता है कि ऊपर शिफ्ट करना है, ये बाउंड्री बना दो तो वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, एज इट इज यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए बाउंड्रीज बनाते हैं। तो ये जो बाउंड्रीज में बना रहा हूँ ना डॉटेड, ये इसीलिए बना रहा हूँ ताकि ग्राफ वो ऐसे लेफ्ट राइट ना जाए, सीधे ऊपर आए।
वरना वही हो जाएगा ना यार कि तुम आगे तो आ रहे हो, तुम तो सर पे चढ़ रहे हो, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ अबव शिफ्ट एज इट इज, कहाँ चला गया ये, ठीक ऐसे ये है माइनस वन टू माइनस टू, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आप ऐड करते हो टू, यानी कि टू से अबव शिफ्ट, ये है इसका फाइनल आंसर, कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ फाइनली इन द इंटरवल जीरो टू, बस यही है। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ, इतना सब दिमाग नहीं लगाते हो ना तो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस ये कि फाइनली आप जीरो टू वन में लेके आ जाओ, मतलब बेसिकली एक मशीन है यार, है ना, वो इधर से भी फोर्स कर रही है, इधर से भी फोर्स कर रही है, तो और फाइनली इन दोनों का पर्पस ये है, ए और बी का, कि आपके जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं सबको किस इंटरवल में लेके आना है, जीरो टू वन, तो ऑब्वियसली बात है जो जितना दूर होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, समझ गए होंगे यार ना, काफी है। तो ये है ग्राफ, इसका एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कर लो, देख लो अच्छे से, क्वेश्चंस तो इनमें बहुत सारे बनते हैं, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो बाद में करेंगे, पहले ग्राफ बनाना सीख लो। एक्चुअली सब डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक्स चल रहा है यार, है ना, तो क्वेश्चंस तो बाद में उन्हीं चैप्टर्स में करेंगे हम। Then okay. होमवर्क के लिए क्वेश्चन है cos x, 2 cos x और x square, नॉर्मली ग्राफ बना के उसके पार्ट्स कर देना और कंप्लीट ग्राफ को 0 टू 1 में लेके आ जाना, बस ये है और कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको, लेट्स इस तरीके से लेते हैं कुछ, है ना,
ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, इसको थोड़ा सा क्या करें, इसको ऐसे बन रहे तो ठीक है, थोड़ा शेप चेंज होना चाहिए, कहने का मतलब है। ये है ठीक है, इसका फाइनली आपको फ्रैक्शनल पार्ट बनाना है, करो ठीक। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये रेडी करना है, हो गया वो क्वेश्चन कंप्लीट है ना। ग्राफ 0 to 1 एज इट इज, इतना मत सोचो यार, कुछ भी करके कंपोनेंट्स वगैरह करके इसको 1 to 2 में लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये एज इट इज आ गया, ये 1 to 2 में आएगा लाइक दिस, फिर इसको भी 1 to 2 में लेके आ जाओ, चाहो तो ऐसे बाउंड्री बना लो एक, पहले 0 to 1 का, 0 to 1 में लेके आना, इसका भी बाउंड्री बना लेते हैं, ये भी 0 to 1 में आ गया, ये थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, इधर की तरफ कर लो इसको ना, फिर इसको भी 0 to 1 में ही लेके आ जाओ, तो लाइक दिस ऐसा, ठीक है, ये भी 0 to 1 में लेके आ जाओ ऐसा, ये भी 0 to 1 और ये भी 0 to 1, डन। तो कंप्लीट ग्राफ आ गया अभी 0 to 1, ये इसका आंसर। अब अभी अभी भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो यार, फिर कभी नहीं आएगा, है ना, ठीक है। तो फाइनली ये करना होता है, ग्राफ पे ऐसे पास करके 0 to 1 में लेके उसको आ जाओ, बस हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सिग्नम फंक्शन। इसके भी कुछ कंडीशंस है, इसको ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं SGN, मतलब ऐसे रोहित शेट्टी के अकॉर्डिंग है सिंगम फंक्शन, और करण जोहर के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा क्या, सनम फंक्शन हो जाएगा, सनम फंक्शन, ठीक है। तो सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ एक्स, इसके कंडीशंस है लाइक दिस, इफ इनपुट पॉजिटिव, इफ इनपुट पॉजिटिव तो इसका आउटपुट होता है 1,
इफ इनपुट जीरो देन आउटपुट जीरो, इफ इनपुट नेगेटिव देन आउटपुट, बस इतना ही कंडीशन है। जैसे मॉडुलस के अंदर इनपुट पॉजिटिव एज इट इज ओपन, इनपुट नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन। ग्रेटेस्ट पार्ट के भी कुछ कंडीशंस होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के भी कुछ कंडीशंस होते हैं, ऐसे ही सिग्नल पर कंडीशन है जस्ट ये। इनपुट पॉजिटिव आउटपुट वन, इनपुट जीरो आउटपुट जीरो, और इनपुट नेगेटिव देन आउटपुट माइनस वन। ठीक है, एक पॉइंट और, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स विल बी सेम एज मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इफ एक्स इज जीरो देन आउटपुट जीरो। इसको सोचने का ट्राई करो, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मॉड है, क्रिटिकल पॉइंट है इसका जीरो, तो ये ब्रेक होगा जीरो पे। लेट से एक्स पॉजिटिव, तो मॉड ओपन एज इट इज यानी एक्स, एक्स अपॉन एक्स यानी आंसर। बट इफ एक्स नेगेटिव देन मॉडुलस ऑफ एक्स विल बी माइनस एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल आउटपुट माइनस वन। जीरो पे तो डिफाइन ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तो जीरो पे सेपरेटली इसको डिफाइन किया कि इफ इनपुट इज जीरो देन आउटपुट विल बी जीरो। इफ इनपुट पॉजिटिव आउटपुट वन, इफ इनपुट नेगेटिव आउटपुट माइनस वन, एंड इफ इनपुट इज जीरो देन आउटपुट जीरो। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, हो गया इसका थ्योरी कंप्लीट। एक काम करते हैं, ग्राफ भी बना लेते हैं इसका, इजी ग्राफ है बना लेते हैं। ग्राफ है y is equal to s g n x, इनपुट जीरो आउटपुट भी जीरो, इनपुट पॉजिटिव यानी पॉजिटिव x एक्सिस, देन आउटपुट कंटिन्यूअसली y is equal to 1, if input negative यानी कि negative x axis then input minus, बस ये इसका ग्राफ है। Negative x axis पे minus 1, positive x axis पे plus 1, और x is equal to 0 पे 0, ये है signum of x, not signum of x square या signum of sin x, वो नहीं, just signum of x। ठीक, questions करते हैं, like example है, first SGN of x square minus 3x plus 2 is equal to minus ka 1, find out the values of x. जैसे fractional part के outputs 0 to 1 में आते हैं, fix है, ऐसे ही signum के output होते हैं just 3 या तो minus 1 या 0 या plus 1, अभी उनमें से एक given है आपको minus 1, सोचो। X belong to 1, 2, 2. Correct. Signum का output आ रहा है negative 1, यानी input must be negative x minus 1 into x minus 2 less than 0. Critical points है 1, 2 plus minus plus, equality नहीं है, hollow circle less than 0 यानी कि negative portion. Final answer है x belongs to 1, 2. Correct. पर्टिकुलर सिग्नम का क्या मीनिंग है, ऑपरेटर है, जैसे पॉजिटिव का क्या मीनिंग होता है, जैसे एडिशन करते तो एडिशन का क्या मीनिंग होता है। हाँ बताओ, क्या मीनिंग होता है एडिशन का? ऐड कर, बिल्कुल ऐसे सिग्नम का मीनिंग भी, सिग्नम ठीक है, ऑपरेटर हुआ ना, दो चीजों को ऐड करते हो। ऐड करने का डेफिनेशन ये बनाया था कि ऐसे फाइव फिंगर्स है, इसमें टू फिंगर्स और कर दो तो सेवन फिंगर्स हो गए। ऐसे ही सिग्नम भी एक ऑपरेटर है, आपको इनपुट नेगेटिव दिखता है तो आप माइनस वन बताओगे, इनपुट जीरो दिखता है तो जीरो बताओगे, और इनपुट पॉजिटिव दिखता है तो वन बताओगे। मॉडुलस का क्या मीनिंग है?
ऑपरेटर में इनपुट पॉजिटिव दिखता है तो 5 है तो 5 बता दोगे, माइनस 5 है तो भी प्लस 5 बताओगे। फिर इसको थोड़ा और सोचते हैं, अच्छा इनपुट पॉजिटिव आ रहा है मतलब एज इट इज ओपन हुआ होगा, इनपुट नेगेटिव आ रहा है मतलब विद नेगेटिव ओपन हुआ होगा। हर्षदा का क्या मीनिंग है इसे? ठीक है, तो सबका डेफिनेशन होता है, मीनिंग होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है दिस, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x। ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑपरेटर का नेम है ये, जीरो इनपुट आउटपुट जीरो, अबव एक्स एक्सिस साइन एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और सिग्नम ऑफ पॉजिटिव कितना, तो यहीं से आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा। इसका मीनिंग ये है कि आप इसके अंदर पुट करते हो एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई सिक्स। साइन पाई बाई सिक्स होता है 1/2 यानी पॉजिटिव, और सिग्नम के अप्लाई होते ही आपको आउटपुट 1/2 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? बिल्कुल ठीक है। ऐसा यहाँ पे भी आउटपुट मतलब साइन एक्स पॉजिटिव तो फाइनल आउटपुट प्लस 1, यहाँ पे भी साइन एक्स पॉजिटिव फाइनल आउटपुट प्लस 1, इनपुट नेगेटिव साइन एक्स नेगेटिव फाइनल आउटपुट माइनस 1, साइन एक्स नेगेटिव फाइनल आउटपुट माइनस 1, इनपुट नेगेटिव फाइनल आउटपुट माइनस 1, साइन एक्स नेगेटिव फाइनल आउटपुट माइनस 1। तो ये है इसका फाइनल ग्राफ, समझ गए? ओके, क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये सॉल्व करो, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x plus 4 upon
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन. अच्छा, जीआईएफ एफपीएफ शीट अभी कंप्लीट कर सकते हो, फुल कंप्लीट कर सकते हो. एफओएम टू के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वो भी रिमेनिंग है, उसको और बाद में करेंगे थोड़ा. ठीक है, नहीं बाद में क्यों, उसको नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि अब तो सब हो ही गया है. थोड़ा कुछ और ग्राफ वगैरह पढ़ लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो सिग्नम ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस वन, ये क्वेश्चन है. एफपीएफ सिग्नम आउटपुट है माइनस वन, तो इनपुट शुड बी नेगेटिव. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज यानी कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर्स कैन बी बट इनका जीरो वाला कंडीशन चेक करना पड़ता है. ऑब्वियसली बात है, डिनोमिनेटर है कैन नेवर बी जीरो, यानी एक्स कैन नॉट बी इंटीजर्स पे फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है. समझ गए? ओके. और अभी रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर क्रिटिकल पॉइंट्स. साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, इक्वलिटी नहीं है तो होलो सर्कल, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव. फाइनली एक्स बिलोंग्स टू 1 to 4 माइनस टू. 1 to 4 माइनस टू एंड थ्री. हाँ, क्योंकि इंटीजर्स पे वो ग्रेटेस्ट पार्ट सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्व करो. सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इनटू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स. इज इक्वल टू माइनस वन. Again, this can be equality condition check करना पड़ता है आपको, zero होने वाला condition. जैसे x minus 2 square होता साथ में, तो x minus 2 square भी remove, but x cannot be क्योंकि equality नहीं है, और equality होता है तो x must be. हाँ, तो अभी तो नहीं है equality, तो ये हटा दो और साथ में x cannot be इंटीजर्स. अगेन रिमेनिंग है 1 और 6 प्लस माइनस प्लस नेगेटिव पोर्शन. फाइनली एक्स बिलोंग्स टू 1 to 6 माइनस 2 3. करेक्ट, 1 to 6 माइनस 2 3 4 एंड 5. डन. नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए, सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 1. सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 1. तो लेस देन 1 में पॉसिबिलिटी क्या है? 0 और माइनस 0 इधर 0 और माइनस. सो दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0. करेक्ट. अगेन ये है ऑलवेज पॉजिटिव कैन बी, बट अभी इक्वलिटी कंडीशन है तो x बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स, ये सब आना चाहिए. जैसे x स्क्वायर को आप रिमूव करते तो काटा दो, बट x मस्ट बी शुड बी इक्वल टू जीरो. रिमेनिंग है 1 6. इक्वलिटी है डार्क सर्कल्स प्लस माइनस प्लस नेगेटिव. सो फाइनली x बिलोंग्स टू 1 टू 6 यूनियन ऑल इंटीजर्स. सपोज कर इस तरीके से गिवन होता है कि 1 टू 10 x belongs to 1 टू 10, तो 7 8 9 10 इसमें और आ जाता है ना. ऐसा डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है? ये क्वेश्चन ऐसा होमवर्क लिख दो, नेक्स्ट टाइम पे शीट डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली कल, तब ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा टाइम दो. कुछ भी नहीं लिटरली इस क्वेश्चन में. देखो ये पूरा तो नॉर्मल एक्सप्रेशन ही है, बस सिग्नम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. तो इसके केसेस बनाने पड़ेंगे आपको कि वेन दिस एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, वेन जीरो एंड वेन पॉजिटिव. नेगेटिव है तो ये मिलेगा आपको कितना, माइनस वन. फिर एक इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0. वो सॉल्व करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता तो अच्छी बात है, वरना फॉर्मूला अप्लाई कर देना. और जो केस आपने कंसीडर किया था कि दिस नेगेटिव, उन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे. केस टू, दिस इज 0 तो ये भी 0, फिर इसको सॉल्व करोगे और जो केस कंसीडर किया था उसके साथ में इंटरसेक्ट करोगे. केस थ्री, दिस पॉजिटिव, ये कुछ फैक्टर्स बनेंगे इसके, x plus 8 into x minus 4. दिस पॉजिटिव व्हेन दिस विल बी 1, फिर इसको सॉल्व करोगे और केस के साथ में इंटरसेक्ट करोगे और फाइनली इन तीनों का क्या करोगे, डिफरेंट केसेस का यूनियन. काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन ये अभी हम लोग कर लेते हैं सॉल्व और क्वेश्चन के. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x ग्रेटर देन 0, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x.
अच्छा प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, ये कुछ नोट वगैरह लिखे थे ना हम लोगों ने पहले, कहाँ पे थे, पेज नंबर प्रॉपर्टीज वगैरह लिखे थे जहाँ पे, यही है पेज नंबर 1, 2, 3, ठीक है। सो इसमें एक प्रॉपर्टी आप ये भी ऐड कर लो या फिर नेक्स्ट पेज पे कर लो, इधर ही कर लेते हैं। देखो जैसे इंटीजर पार्ट में से इंटीजर एज इट इज बाहर आते हैं प्लस माइनस आई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। वैसे एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, x प्लस माइनस एनी इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, दिस विल बी सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कहने का मतलब ये है कि 5.6 फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें आप कोई भी इंटीजर एड कर दो, लेट्स से 2 एड कर देते हैं, 7.6 फ्रैक्शनल पार्ट, लेट से 100 ऐड कर देते हैं, 105.6 फ्रैक्शनल पार्ट, लेट से माइनस 2 कर दो, 3.6 फ्रैक्शनल पार्ट, लेट से माइनस 6 भी कर दो, कितना आता है माइनस 6 पे, माइनस 0.4 फ्रैक्शनल पार्ट। ऑल वैल्यूज आर सेम, सेम ही आता है, समझ गए। तो ग्रेटेस्ट पार्ट में से इंटीजर एज इट इज बाहर और फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर डिसअपीयर। जैसे कॉस ऑफ माइनस एक्स, सेक ऑफ माइनस एक्स माइनस डिसअपीयर, डन। इसका यहां पे यूज है ये कि ये था फ्रैक्शनल पार्ट और इसमें वन कैन बी, हाँ। तो क्वेश्चन है अभी दिस, ये आप लोगों को ही ट्राई करना है, क्या करोगे इसमें, इससे ग्राफ से करो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके फिर अलग अलग केसेस बनेंगे ना, इसलिए इसका ग्राफ बनाओ एट द सेम प्लेस, इसका भी ग्राफ बनाओ और फ्रैक्शनल पार्ट वाला पोर्शन अब होना चाहिए, करो सर।
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स रूट्स आर जीरो एंड टू मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x is equal to minus का p upon 2a यानी x is equal to one और one पे आउटपुट कितना आ रहा है one minus two यानी कि minus one minus one एक क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ बनना चाहिए लाइक दिस. अब पॉइंट ये कि इसको ऊपर कैसे बनाऊंगे है ना, तो थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं. x is equal to minus one पे कितना आउटपुट आ रहा है x is equal to minus one पे आउटपुट है कितना? Three. तो ये काफी अबव चला गया. x is equal to three पे आउटपुट कितना है? Three पे. Three है, same ही है क्या? हाँ same ही है. Done. Fractional part should be above. तो इस ग्राफ में फ्रैक्शनल पार्ट अबव कहां पे दिख रहा है? इस रेड वाले ग्राफ से. ये पोर्शन में तो नहीं दिख रहा है, यहां से दिखना स्टार्ट हो रहा है. ये फ्रैक्शनल पार्ट अबव हो गया रेड वाले ग्राफ से. बस इतना ही है. तो फाइनल आंसर शुड बी फ्रॉम अल्फा टू. बिल्कुल अल्फा टू टू. टू पे ओपन, क्योंकि टू पे दोनों सेम ही हो गए, रेड और ब्लैक है ना. अल्फा पे भी ओपन. अल्फा करोगे आप फाइंड, क्वेश्चन सॉल्व. अल्फा कैसे फाइंड करोगे? इक्वेशन सॉल्व करोगे. ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, पर ये इक्वेशन आपको लिखना आना चाहिए. ये इक्वेशन है जीरो टू माइनस वन में y इज इक्वल टू x plus 1. तो x square minus 2x is equal to x plus 1. x square minus 3x minus का 1 is equal to 0. x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac यानी कि 13. प्लस यूज करना चाहिए या फिर माइनस? माइनस, क्योंकि वो है नेगेटिव 0 टू 1 में. तो अल्फा आ गया 3 माइनस रूट 13 अपॉन. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको ग्राफ से कर लेते हैं. कौन से क्वेश्चन ग्राफ से करने हैं, कौन से वैसे करने हैं, वो तो यार आपको सॉल्विंग से ही समझ में आएगा है ना. ऐसा कैटेगराइज नहीं कर सकते कि इन कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को ऐसे ग्राफ से बना लो, अदरवाइज ऐसे कर लो. हाँ, बाकी मैं कैसे करता हूँ, जो ग्राफ मेरे को इजी दिखता है ना, मैं उसको ग्राफ से कर लेता हूँ. अच्छा, ऐसा ग्राफ बनाना इजी है तो ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बनाना इजी है तो ग्राफ बना लो. इसमें कुछ और क्यूबिक वगैरह होता तो नहीं बनाते, नॉर्मल तरीके से करते हैं. ठीक है, ये आइडिया होता है कि ग्राफ बनाना लग रहा है कि इजी है. हाँ यार, इसका ग्राफ भी इजी है, इसका भी इजी है, चलो ग्राफ ही बना लेते हैं. थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, ग्राफ बनाने में मुश्किल आएगा, तो फिर ग्राफ नहीं बनाते हैं और फिर नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं. ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल मेथड भी टफ है और ग्राफ भी टफ है, तो फिर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे कॉपी कर देते हैं, कॉपी पेस्ट. नहीं, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है, तो ये आइडिया रहता है. चलो फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. नेक्स्ट टर्म पे पेपर डिस्कशन भी करेंगे है ना. और आप लोग शीट अपना कंप्लीट करके रखो, फुल शीट कंप्लीट करके रखो, और नेक्स्ट टर्म पे शीट डिस्कस कर लेंगे. ओके, चलो फिर इतना ही करते हैं. ओके.